SN Live सच सबसे आगे। सिवान नगर थाने की फाइलों में फरार चल रहा मोस्ट वांटेड अपराधी मोहम्मद आजाद चढ़ा पुलिस के हत्थे, आधिकारिक पुष्टि नहीं। सिवान नगर थाने की फाइलों में फरार चल रहा संगीन मामले का एक मोस्ट वांटेड अपराधी मोहम्मद आजाद को नगर थाना पुलिस ने दरौली थाने की पुलिस के सहयोग से धर दबोचा है। हालांकि इसकी गिरफ्तारी की पुष्टि अभी तक पुलिस जगत के कोई आला पुलिस अधिकारियों के द्वारा नहीं की गई है। उसकी गिरफ्तारी किस कांड में और कहां से की गई है, खबर पढ़े जाने तक यह स्पष्ट नहीं हो सका था कि पुलिस ने उसके पास से क्या क्या बरामद किया है। ऐसा बताया जा रहा है कि नगर थाना की टीम ने एक संगीन कांड में फरार चल रहे वांछित को दरौली थाना क्षेत्र के हरनाटाड़ गांव से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार बदमाश नगर थाने में अंकित एक मामले में फरार चल रहा था। हालांकि नगर थाना इंस्पेक्टर सुदर्शन राम ने इस मामले में कुछ भी बताने से इनकार कर दिया, लेकिन विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार नगर थाना इंस्पेक्टर के नेतृत्व में टीम ने गुरुवार की रात स्थानीय पुलिस की मदद से छापेमारी कर उसे दबोचा है। पकड़ा गया बदमाश मोहम्मद आजाद बताया जाता है। पुलिस द्वारा दबोचने की चर्चाओं का बाजार शुक्रवार को पूरे दिन गर्म रहा। उधर हो रही चर्चाओं में लोग इस बात का भी जिक्र कर रहे हैं कि आखिर पुलिस टीम ने उसके पास से क्या क्या बरामद किया है, यही अंदाजा नहीं लगा पा रहा है। बरामदगी को लेकर चर्चाओं का भी बाजार गर्म था। इस संदर्भ में पूछे जाने पर नगर थाना अध्यक्ष सा इंस्पेक्टर सुदर्शन राम ने कुछ भी बताने से इनकार किया। उनका कहना था कि मेरे थाना में किसी भी अपराधी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। सिवान से एसएन लाइव के लिए परवेज अख्तर की रिपोर्ट। कैरियर में भरे ऊंची उड़ान श्रेया मरीन एकेडमी के संग, एकमात्र ऐसा संस्थान जहां से आप 3 साल में अपने सपनों को कर सकते हैं पूरा। इसके साथ ही छात्रों को मिलेगी 8,000 से 12,000 रुपए तक की छात्रवृत्ति 3 साल तक हर महीने। 10वीं 12वीं पास छात्रों के लिए है सुनहरा मौका, तो देर किस बात की, जल्दी कीजिए। हमारा संपर्क नंबर है 9576888811। देश और दुनिया की ऐसी ही खबरों को पाने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। और हाँ, अगर आप वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।